हेलो फ्रेंड्स, आई एम सभा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्तों, CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने एपिसोड 1 और 2 में देखा। ये एपिसोड 3 है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ से आपके बहुत सारे जो हैं वो ये कही है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सब कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो दोस्तों, स्पीयरमैन का द्विघटन का जो सिद्धांत है वो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में ये जो है निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। दोस्तों, वो परिवेश का जो प्रभाव है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, समाजमिति विधि प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है दोस्तों, सफल साक्षात्कार के लिए आत्मीयता का स्थान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रेरकीय संप्रदाय से मैकडूगल संबंधित है। इनकी जो है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, ये कार्यात्मवाद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों, ये कार्यात्मवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों, फ्रॉबिल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को समूह गत्यात्मकता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साक्षात्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों, साक्षात्कार का जो संबंध है वह व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध साक्षात्कार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो दोस्तों, ये पावलोव के परीक्षणों पर आधारित था व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक कि यह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दें, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जो है क्रो एम प्रो का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों, ये गेस्टाल्ट की देन है, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान में महत्व है किस चीज़ का है? देख लेते हैं, निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? तो दोस्तों, अधिगम के नियमों को थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, कहाँ दी जाती है? किंडरगार्टन पद्धति में खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो दोस्तों, प्रयोजन विधि जो है वो प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो दोस्तों, बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में इसे सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, ये परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों, ये परिभाषा क्रो एम क्रो ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिष्ठ पद्धति है? तो दोस्तों, आत्मनिष्ठ पद्धति जो है वो अंतर्दर्शन विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों, ये जेम्स का है, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, ये कथन जेम्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधिगम की प्रभावशाली विधि है किसकी है, करके सीखना, अवलोकन विधि द्वारा सीखना, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि द्वारा सीखना, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो दोस्तों ये मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों कार्यात्मक संप्रदाय से विलियम जेम्स जो हैं वो संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कार्यवादी संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो दोस्तों कार्यवादी संप्रदाय से ई.एल. थार्नडाइक संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो दोस्तों आईक्यू जो होता है, आईक्यू का फार्मूला है, आईक्यू इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। तो दोस्तों इस फार्मूले पे रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 12 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता है आकलन का यथोचित रूप है? तो दोस्तों ये जो है अवलोकन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों टॉलमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। कितने? 6 प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो केस स्टडी विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन चिकित्सात्मक विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, फ्रायड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है किस में पाया जाता है? निरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो दोस्तों ये जो है सरल रेखीय वक्र प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो दोस्तों बाल अपराधियों के जो उपचार हैं, मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि, वैधानिक विधि, ये जो है बाल अपराधियों के उपचार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं, वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ऐसे बालक जो हैं वो समस्याग्रस्त बालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? तो दोस्तों व्यक्तित्व अधिगम एवं जो वृद्धि है ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो दोस्तों परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है? दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वो किशोरावस्था कहलाती है, तनाव और क्रोध की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम वो वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बालक का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है आईक्यू इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो फ्रेंड्स इस पर आप मानसिक आयु 12 रख के नीचे आप 10 रख लेंगे, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा, 120 वर्ष आएगा। इस तरह से बुद्धि लब्धि जो है वो 120 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वो कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये जीन पियाजे जी का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह जो है 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? दोस्तों इसका श्रेय जो है जीन पियाजे को जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग को अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।